रिप्लेसेबल फिल्टर ड्रायर कोर, सामने की तरफ ये जो आपको सिलेंड्रिकल टाइप बॉडी या शेल टाइप की जो बॉडी देखने को मिलती है, इसके अंदर आपके फिल्टर ड्रायर कोर्स लगे होते हैं। तो इस सीलर में हमको उनको रिप्लेस करना है या चेंज करना है, तो इसके लिए हमें इसको डिसमेंटल करना होगा। जो पुरानी असेंबली है फिल्टर ड्रायर कोर की, उसको बाहर निकालना होगा और नई असेंबली को लगा के इसको वापस से रीअसेंबल करके चालू करना होगा। तो इतना काम आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्या इसके पीछे का कारण है, वो आगे चल के वीडियो में धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो होने वाली है फिल्टर ड्रायर कोर्स के ऊपर। तो सामने आप ये डेनफोर्स के एलिमिनेटर रिप्लेसेबल फिल्टर ड्रायर कोर देख रहे हैं, जिसका मॉडल नंबर है 48DM मॉलिकुलर सीव्स। तो ये अलग अलग मॉडल्स के भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप्स के भी हो सकते हैं। इसका जितना भी डाटा है या जो डाटा शीट है, ड्राइंग्स है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, या PDF प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए ये किस तरीके का होता है। तो जिस चिलर में हम काम करेंगे, वहाँ पर आपके 3 फिल्टर ड्रायर कोर्स लगने वाले हैं। उसमें से 3 बाहर निकलेंगे भी और उसमें हम 3 वापस से फिट भी करने वाले हैं। यहाँ पर आप मॉडल नंबर देख सकते हैं, 48DC, 48DM, 48DA। तो ये अलग अलग मॉडल्स के हैं या अलग अलग टाइप के हैं, वो सब आपको PDF के थ्रू पता लग जाएगा। तो यहाँ पर हमने नट बोल्ट्स पहले से निकाल लिए थे। ये इसका फ्रंट साइड का प्लेट है, जिसके जस्ट बैक साइड में आपका इस तरीके का स्प्रिंग लगा रहता है। ये स्प्रिंग जो फ्रंट साइड का ये आप कवर था, इसके थ्रू क्या करता है, वो असेंबली को धक्का देता है या एक तरीके से उसको हिलने से या वाइब्रेट होने से रोकता है। अगर ये असेंबली हिलेगी तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होगा और इसका जो अंदर का पार्ट है उसमें टूट फूट होने के चांसेस बन जाते हैं। तो स्प्रिंग से इस तरीके से इसको रोक के रखा जाता है। तो ये है वो असेंबली जिसमें आपको 3 ड्रायर कोर देखने को मिल जाते हैं। अभी आपको देखने को मिलेगा कि जो पुराने वाले हैं वो कितने गंदे हो चुके हैं, जो कि आप ये सामने देख पा रहे हैं, इसका कलर ही चेंज हो चुका है। जो नए वाले हैं उनका कलर अभी देखेंगे, और ये वाले कलर आप देख लीजिए, इनका कितना चेंज हो चुका है। ये बैक साइड में एक जाली लगी रहती है, जो कि जो बड़े पार्ट्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, उनको रोकती है, और ये वाले पार्ट्स माइनर जो मॉइस्चर होता है या कार्बन जो होता है उसको रोकने की कोशिश करता है, या जो ऑयल में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है। तो ये कुछ इस तरीके का खोखला है अंदर से, और इसी में आपकी ये असेंबली फिट हो जाती है। तो चलिए, जो पुरानी असेंबली है इसको एक एक करके डिसमेंटल करते हैं। सबसे ऊपर इसके विंग नट लगा होता है, उस विंग नट को निकालने के बाद आप एक एक करके कोर बाहर निकाल सकते हैं। तो ये है वो विंग नट, और इसी के नीचे आपको कोर प्लेट और कोर गैस्केट देखने को मिलेगी, जो कि ये है आपकी कोर प्लेट और कोर गैस्केट। उसके बाद आपको ये जो सॉलिड कोर है या फिल्टर ड्रायर है, इसको आप निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से, जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है। उसके जस्ट नीचे आपको फिर से एक गैस्केट और फिर कोर प्लेट देखने को मिलेगी, फिर गैस्केट देखने को मिलेगी, और आप उसके बाद फिर से एक और सॉलिड कोर बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जितने भी आपके कोर्स हैं उनके नीचे आपको गैस्केट और प्लेट ज़रूर देखने को मिलेगी, जो कि आप ये सामने देख पा रहे हैं। इसके कलर्स के थ्रू आप पता कर सकते हैं ये कितने ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। तो रेफ्रिजरेंट के जो फ्लो रहता है या सर्किट रहता है, और जब सर्किट काफ़ी ज़्यादा पुराना हो जाता है या बार बार खुलता है और उसमें गैस चार्ज होती है, टॉप अप होती है या ऑयल चार्ज होता है, तो क्या होता है, उसके अंदर जितना भी कार्बन है वो इस कोर पे या जो ऑयल है वो गंदा हो जाता है। उसकी गंदगी आके रेफ्रिजरेंट में जो गंदगी होती है या सर्किट में जो गंदगी होती है, वो इस सिस्टम में आके या इस पूरी असेंबली में आके इकट्ठा हो जाती है, और वो एक्सपेंशन वाल्व में जाने से रुकती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये डिसमेंटल हो सकते हैं, हो चुके हैं तीनों के तीनों कोर। और सबसे नीचे का पार्ट आप ये देख सकते हैं, इसको होल्डर कहते हैं, कोर होल्डर, जिसके ऊपर आपके तीनों ये सॉलिड कोर रुके रहते हैं। तो ये शेल वाला पार्ट है जहाँ पर आपकी असेंबली जाती है, और ये यहाँ पर एक आपको एंगल वाल देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आप सर्किट को ओपन और क्लोज कर सकते हैं लिक्विड लाइन के। तो जैसे मैंने बताया था, ये जो कोर्स होते हैं इसमें काफ़ी बारीक कण होते हैं, जो कि क्या करते हैं, मॉइस्चर को ऑब्जर्व करते हैं। अगर रेफ्रिजरेंट के अंदर मॉइस्चर आ जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचाता है सिस्टम को। जो ऑयल होता है उसके साथ मिक्स होके वो एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, जो कि आपके अंदर जो कंप्रेशर के पार्ट्स हैं या जो और पार्ट्स होते हैं चिलर के, उसको डैमेज पहुँचा सकता है। तो
तो ये है आपकी नई कोर। आप इसका कलर देख सकते हैं कितना येलोइश देखने को मिल रहा है, और जो पुराना वाला था आपने देखा वो कितना ज़्यादा काला हो चुका था। तो कुछ इस तरीके से नीचे गैस्केट और उसके ऊपर आपको सॉलिड कोर रखना होता है। और जैसे मैंने बताया, ये जो आपको लंबी सी रॉड देखने को मिल रही है इसको आप डिस्टेंस रॉड कहते हैं, जिसमें आपके तीनों कोर आएंगे और ऊपर आप इसके विंग नट लगा देंगे और ये असेंबली पूरी तरीके से टाइट हो जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था जो शेल है उसके अंदर अगर रेफ्रिजरेंट का फ्लो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से रहता है, जिसके वजह से ये असेंबली अगर हिलेगी वाइब्रेट करेगी तो डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इसमें एक विंग नट भी लगा होता है और ये डिस्टेंस रॉड्स और जो विंग नट है वो क्या करती है, जो कोर्स हैं उनको इकट्ठा करके रखती है। तो जैसे मैंने बताया, कुछ टाइम पीरियड के बाद आपका जो रेफ्रिजरेंट होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा कार्बन डस्ट, कह लीजिए सर्किट के अंदर ऑयल के अंदर की जो गंदगी होती है वो भी, तो वो सब मिलके क्या करते हैं, जो लिक्विड लाइन के जस्ट आगे आपका एक्सपेंशन वाल लगा रहता है वो उसके ब्लॉक होने या उसके चोक होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर सर्किट के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है या सर्किट के अंदर जो गंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता है एक्सपेंशन वाल काफ़ी ज़्यादा बारीक एक छेद से रेफ्रिजरेंट को गुजारता है, या उसका ऐसा होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक्सपेंशन वाल जब रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को ड्रॉप करता है उससे क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो भी ड्रॉप होता है रेफ्रिजरेंट के। तो इसलिए जो एक्सपेंशन वाल है उसमें एक काफ़ी बारीक छेद होता है जिससे कि रेफ्रिजरेंट गुजरता है। अगर जो सर्किट है उसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट है, गंदगी है, तो वो क्या करेगी, एक्सपेंशन वाल के मुँह को बंद कर देती है, जिससे कि एक्सपेंशन वाल से होते हुए रेफ्रिजरेंट आगे नहीं जा पाएगी और आपका सर्किट अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। तो कुछ टाइम पीरियड के बाद आपको चेक करना होता है कि किस तरीके के आपके फ़िल्टर ड्रायर कोर होते हैं, अगर वो गंदे हैं तो उनको आपको रिप्लेस करना होता है। तो कुछ इस तरीके से एक एक करके इसको असेंबल करना होता है। तो यहाँ पर नई असेंबली बन चुकी है और इसको वापस से आपको शेल बॉडी के अंदर या सेल सिलेंड्रिकल टाइप बॉडी के अंदर वापस से इस तरीके से फिट कर देना होता है। बट उसको फिट करने से पहले आपको ये ध्यान रखना होता है, जो सेल साइड के अंदर का जो जितना भी पार्ट था उसको प्रॉपर तरीके से आपको साफ़ करना होता है।
अगर उसमें गंदगी रहेगी तो वो वापस आके एक्सपेंशन वाल्व में जाके फंस सकती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है चिलर को। और वापस से आप इसको स्प्रिंग लगाएंगे, स्प्रिंग को लगाने के बाद आपको फिर से वो जो टॉप या फ्रंट साइड की कवर थी उसको वापस से फिट करना होता है, जिससे कि ये स्प्रिंग प्रॉपर तरीके से होल्ड कर ले आपकी असेंबली को, और जो पार्ट है अंदर का ड्रायर कोर का या जो सॉलिड कोर है वो वाइब्रेट ना करे, और जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो है वो प्रॉपर तरीके से इस असेंबली से होते हुए या लिक्विड लाइन से होते हुए सर्किट में अच्छे से रन कर पाए। तो कुछ इस तरीके का ये वीडियो था, आई होप आपको समझ में आया होगा फिल्टर ड्रायर कोर के बारे में, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं, कुछ नया सीखने को आपको मिला इस वीडियो से, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आपका कोई ओपिनियन है, आपको कुछ जानना है इस वीडियो से रिलेटेड, या आपको कुछ ऐसा पार्ट जो आपको नहीं समझ में आया, उसके लिए आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या अपना ओपिनियन रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं इसी तरीके की और नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।